टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है CMS 01। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसरो की आज तक की उपलब्धियां क्या है और इसरो के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह चर्चा में क्यों है। इसरो के रॉकेट PSLV C50 ने भारत के नवीनतम संचार उपग्रह CMS 01 को कक्षा में स्थापित कर दिया है। CMS 01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के अनुसार 320 टन वजनी PSLV C50 रॉकेट ने CMS 01 को लेकर उड़ान भरी और उपग्रह को GTO में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। CMS 01 की विशेषताएं क्या है। CMS 01 उपग्रह GSAT-12 का स्थान लेगा, जिसकी मिशन अवधि 8 वर्ष थी। यह एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इससे देश में टीवी संचार को लेकर नई तकनीक को विकसित किया जा सकता है। इस दौरान इसकी मदद से देश में टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम, टीवी से संबंधित संचार प्रणालियों और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। यह इसरो का इस साल का अंतिम मिशन था। अब बात करेंगे इसरो की उपलब्धियों के बारे में। PSLV इसरो ने 1990 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV को विकसित किया था। चंद्रयान 2008 में इसरो ने चंद्रयान बनाकर इतिहास रचा था। अक्टूबर 2008 को स्वदेश निर्मित इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजा गया था। इससे पहले ऐसा सिर्फ 6 देश ही कर पाए थे। मंगलयान से भारत मंगल तक पहुंचने में पहले ही प्रयास में सफल रहने वाला दुनिया का पहला देश बना। अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों को कई प्रयासों के बाद मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफलता मिली। चंद्रयान की सफलता के बाद यह कामयाबी थी, जिसके बाद भारत की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। GSLV Mark II का सफल प्रक्षेपण भी भारत के लिए बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इसमें भारत ने अपने ही देश में बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन लगाया था। इसके बाद भारत को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। नेविगेशन सिस्टम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 28 अप्रैल 2016 को भारत का 7वां नेविगेशन उपग्रह अर्थात इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। इसके साथ ही भारत को अमेरिका के GPS सिस्टम के समान अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम मिल गया। इससे पहले अमेरिका और रूस ने भी ये उपलब्धि हासिल की थी। इसरो के बारे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तत्कालीन इंकोस्पार का अधिग्रहण किया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।